दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है। ये टॉपिक है, आप किसी व्यक्ति को अगर आकर्षित करना चाहते हैं, आकर्षण वशीकरण ये अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये संभव है। लेकिन वशीकरण वो वाला वशीकरण नहीं जो 5,000-10,000 में कुछ ठग लोग दावा करते हैं, कुछ YouTube के बेवकूफ बनाने वाले तथा कथित ज्योतिषी जो दावा करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं कि वशीकरण, नींबू रख दो, मिर्ची रख दो, हल्दी रख दो और वशीकरण। हम आपको ऐसा उपाय न आज तक दिए हैं और ना देंगे। हम आपको वह बात बताते हैं जो लॉजिकली करेक्ट हो। वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन सब कुछ संभव है। और अभी वर्तमान में कोई भी व्यक्ति ये सब करने वाला नहीं बचा है। ये सब कौन कर सकता है? ये सब आप खुद कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे आप किसी को भी बस में कर सकते हैं, किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। वही गुण आपको हम बताने वाले हैं। राशि अनुसार आकर्षण फॉर्मूला आपको एक रील डाल करके हमने बताया था। कई लोगों को समझ नहीं आया, कई लोग उतनी शुद्ध हिंदी में नहीं जा पाए, तो इसलिए आज हम इसको बहुत अच्छे से एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आपके राशि अनुसार आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिससे आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर उस गुण को साध लिया तो जीवन में आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे आपसे वही चीज है जो आप में खास है। राशि अनुसार बहुत सारी जानकारियां हम अपने चैनल पर शेयर कर रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। आप राशि अनुसार आपको सच्चा प्यार कौन करता है ये हमने नक्षत्र वाइज बताया, राशि वाइज बताया, और राशि अनुसार आप कैसे हैं, आप यानी कि राशि अनुसार आपके गुण और स्वभाव कैसा होता है ये सब कुछ बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं हम। और आज का टॉपिक तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया तो आप फिर कभी भी आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि उसका वशीकरण करवा दो, इसको बस में करवा दो। किसी भी तरीके से ऐसे शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपके पास में खुद ही वशीभूत करने वाला अपना मंत्र होगा, अपना खुद का गुण होगा, जिसे आप अगर मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति आकर्षित होता रहेगा। अगर उस गुण को आपने साध लिया तो निश्चित रूप से आपसे हर व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके अंदर वो गुण कौन सा है जिससे लोग वशीभूत हो जाते हैं राशि अनुसार। अब ये राशि आपकी चंद्र राशि होनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। चंद्र राशि के अनुसार, अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देखिएगा और इस चीज को मेंटेन कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। और किसी भी तरीके से ये यूट्यूब के तथाकथित ज्योतिषी तो वैसे अपने आप के लगाते ही हैं बहुत सारे लोग, या जो भी तथाकथित लोग हैं जो तांत्रिक बनते हैं, वशीकरण इत्यादि की बात करते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से वशीकरण के उपाय जो बताते हैं वो सही नहीं होते हैं, वो मनगढ़ंत होते हैं। लेकिन मैं आपको जो भी उपाय देता हूँ वो शास्त्रोक्त होते हैं, वो आपके लिए लॉजिकली करेक्ट होते हैं। वशीकरण आज के ज़माने में तो संभव इसलिए नहीं है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके बताया है। मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कर दूं, बहुत लोग इस फ्रॉड के चक्कर में पड़ते हैं, तो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा गुण है जो आपके लिए खास है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वशीकरण आज के दौर में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हम अपना टॉयलेट भी, अपना किसी प्रकार से लघु शंका, दीर्घ शंका भी कितने घंटे तक रोक पाते हैं? हम इंसान हैं, 24 घंटे भी नहीं रोक सकते अधिक से अधिक, कितना भी कोई योगी होगा। अब वह व्यक्ति बस
में किसी को कर सकता है या वशीभूत कर सकता है जो व्यक्ति खुद अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। अगर आपका नियंत्रण आपकी इंद्रियों पर हो जाए, सामने कितने भी अच्छे पकवान रखे हों लेकिन आप बिल्कुल भी उनका खान पान किसी भी प्रकार से किसी तरीके से सोचेंगे नहीं, आपके सामने कितनी भी सुंदर से सुंदर महिला आ जाए, आपके अंदर कोई भी तरंग कोई भी उमंग नहीं जागेगी, तो आप फिर किसी को बस में कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकता है। और जो कर सकते थे वो पूर्व में हमारे ऋषि मुनि होते थे, जो हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को हजारों वर्ष तक केंद्रित रखते थे, नियंत्रित रखते थे, क्योंकि उन्हें हजारों वर्ष तक तपस्या करनी होती थी, वो इतने लग्नशील हो जाते थे अपनी तपस्या में। इसलिए आज की डेट में इतना कोई तपस्वी है नहीं और किसी प्रकार से ऐसा कोई वशीकरण सिद्ध हो नहीं सकता है। पूजाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं जो हम भी करवाते हैं और लोगों के काम सिद्ध होते हैं, लेकिन वशीकरण संभव नहीं है। आकर्षण संभव है। आकर्षण आपके अंदर की एक ऊर्जा है, एक गुण है, जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आकर्षित किया जा सकता है। अब हम यहां पर आपको सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के अंदर ऐसा कौन सा गुण है राशि अनुसार जो किसी को भी आकर्षित करता है। देखिए मेष राशि वालों, आपके अंदर गुण है अनुशासन। अनुशासन अगर आपके अंदर है तो उसको मेंटेन करिए, क्योंकि मेष राशि का मूल तत्व गुण जो है वो अनुशासन। मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल है अनुशासन का कारक। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, किसी को भी वश में कर सकते हैं। अब अनुशासन को आप किस तरीके से समझ सकते हैं? अनुशासन मतलब आप अपने नियम से चलें। अगर आप नित्य अपने नियम से डेडिकेटेड रहेंगे, अपने नियमों पर अपने काम को लेकर के पैशनेट रहेंगे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, अनुशासन रहेंगे, किसी तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो निंदनीय हो, गलत हो या फिर जिम्मेदारी से रहित हो, जब आप अपनी सारी जिम्मेदारी और दिनचर्या को अनुशासित होकर के निभाएंगे तो ये अनुशासन आपका किसी को भी बस में कर सकता है। आप अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड बना है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी है या कोई व्यक्ति आपका दोस्त बना है, तो उससे पूछिएगा कि आपके अंदर उसे सबसे अच्छा क्या लगा था, दोस्त बना था तो किस चीज़ से प्रभावित हुआ था वो। जवाब उसका जब आप सही तरीके से खंगालेंगे, वो आपको सीधा अनुशासन तो नहीं बोलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति तो उस तरीके से आपको नहीं समझेगा, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो आपकी दिनचर्या आपके अनुशासन में ही आएगी। आपके अनुशासन को, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या को देख करके वो प्रभावित हुआ था कि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं या अपने काम पर इतना फोकस रखते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं जो आपको खास बनाती हैं, उस व्यक्ति को आपके प्रति आकर्षित करती हैं। तो ऐसा अनुशासन अगर आप रख पाएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बहुत ज़्यादा दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। अनुशासन में एक चीज़ और आ जाती है कि आप कितना अच्छी तरीके से लीड करते हैं, अपने आप को किस तरीके से अपना लीडर बनाते हैं, दूसरों को किस तरीके से आप अच्छे से चलाते हैं, व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, और लीडरशिप आपकी जो क्वालिटी है, आप किस तरीके से हर चीज़ को व्यवस्थित लीडर, एक व्यवस्था का लीडर बन के दिखाते हैं, इस चीज़ से भी बहुत लोग प्रभावित होते हैं, और इस सब चीज़ें अनुशासन शब्द में समाहित होती हैं। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिए और इसको अपने अंदर पालन करिए, इस चीज़ को मेंटेन करिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर कौन सा वह गुण है जो इनको मेंटेन करना चाहिए, जिससे लोग प्रभावित होते हैं? तो ये है इनकी सुंदरता, वृषभ राशि की सुंदरता। सुंदरता का मेरा मतलब यही नहीं है कि आप कितने सुंदर हैं, इस चीज को आपको मेंटेन करना है,
वो तो प्रकृति ने सबको अपने हिसाब से बनाया है, भगवान ने रंग रूप दिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सुंदरता कि आपका मन कितना सुंदर है, आप अपने मन को सुंदर रखिए, अपने वस्त्रों को सुंदर रखिए, अपने जिस्म को सुंदर रखिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत लोगों को आकर्षित करेंगे और कोई भी व्यक्ति जो आपसे दूर भाग रहा है वो भी आपसे आकर्षित होगा, आपका पार्टनर भी आपके नज़दीक आएगा। सुंदरता का तात्पर्य यह है कि आप कुछ भी, आपके पास में एवरीथिंग कुछ भी हो वो सुंदर ही होना चाहिए। वो आपके कपड़े भी सुंदर होने चाहिए, आपके हर प्रकार के जो एक फैशन से बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, आप जितना फैशन करेंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर श्रृंगार करेंगे, सुंदर रहेंगे, उससे लोग आपसे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो आप अगर महिला हैं तो विशेष रूप से सजना सवरना कभी मत छोड़िएगा, जिस दिन छोड़ देंगे इंटरेस्ट लूज हो जाएगा आपके पार्टनर का। पुरुष हैं तो आप अपने कपड़ों का पहनावा या फिर मन की सुंदरता, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने हर प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक, लड़कों के पास बहुत सारे ऑप्शन तो होते नहीं सजने संवरने के, लेकिन आपके शूज से लेकर के आपके हेयर स्टाइल तक सब कुछ चकाचक हो, सुंदर लगे, तो निश्चित रूप से कोई भी आकर्षित हो सकता है। और ये चीज़ मेंटेन आपको करनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें अलग, लेकिन ये आपकी राशि का विशेष गुण है। तीसरी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि वालों के अंदर जो गुण है वो है चंचलता। अगर आप चंचलता को मेंटेन करेंगे, यानी कि हंसी मजाक, क्यूटनेस, बहुत ज़्यादा रोमांस की बातें करना, केयर करना, ये चीज़ें आकर्षित करती हैं। देखो, रोमांस की बातें तो पहले दिन सुनी करने लगेंगे, फ्लर्ट करना, चंचलता, क्यूटनेस, क्यूट बातें, बच्चों की तरफ थोड़ा नज़ाकत दिखाना, वो सब चीज़ें सामने वाले को प्रभावित करती हैं और इससे वो आपके प्रति आकर्षित होता है। चौथी जो राशि है वो राशि है कर्क राशि। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मैं समझा रहा हूँ, कई लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कोई भी शब्द तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, आप उस तरीके से समझ लीजिए। अब चौथी जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि के अंदर जो चीज़ है वो है निर्मलता। निर्मल हृदय होता है इनका, कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वाले अगर अपनी निर्मलता को मेंटेन करें, बिल्कुल निश्चल निष्कपट रहें, तो इनसे कोई भी आकर्षित हो जाता है। और आपसे निर्मल होने की वजह से ही आपके अंदर किसी भी प्रकार से, देखो चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं समझता है, किसी की बुराई नहीं करता है चंद्रमा, और सबसे ज्यादा गतिशील है चंद्रमा, और चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पर भी सुशोभित है। तो इतने सारे गुण जो आपके अंदर हैं, एक ही गुण में, निर्मलता के शब्द में ही आपके सारे गुण आ जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा हो सके निर्मल रहें, क्योंकि आप निर्मल रहेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, प्रेम भाव दिखाएंगे, निश्चल निष्कपट रहेंगे, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस दिन से आप गंदगी दिखाने लगेंगे, गंदगी मन की गंदगी, अगर मन मैला हो गया आपका, मन दुखी हो रहा है और हमेशा आप कहीं किसी की बुराई, रोना धोना ये सब करेंगे, तो फिर कि इसकी वजह से मुझे दिक्कत है, उसकी वजह से, तो पार्टनर छोड़ देगा। जितने ज़्यादा आप निर्मल रहेंगे, निर्विकार रहेंगे, उतने आप लोगों को आकर्षित करेंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको निर्मलता पर ध्यान देना है, निर्मलता, निर्मलीनता, किसी भी प्रकार से अपने हृदय को मलिन मत करिएगा, दुखी मत करिएगा, गंदा मत करिएगा, तो आप हर तरीके से लोग आपसे आकर्षित होते रहेंगे, लोग आपको दिल देते रहेंगे। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य लीड करता है सबको,
सारे ग्रहों का राजा है, और ये कठोर जितना ज़्यादा बाहर से होते हैं अंदर से नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा आपका जो गुण है जिससे आपको लोग आकर्षित होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं, वो है कठोरता। कठोर हृदय मत करिए, कठोर करिए अपनी बाणी, कठोर करिए अपने आप को, अपने आप को विशेष रूप से। शरीर आपका कठोर हो, आपका वक्षस्थल कठोर हो, आपकी बॉडी कठोर हो, आप बॉडी बिल्डर हो, आपके अंदर ताकत हो, आपके अंदर साहस हो, तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। कठोरता से एक चीज और है जो सिंह राशि वालों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो जितना ज़्यादा एकदम जेंटलमैन बन के रहेंगे, सख्त लौंडे, तो निश्चित रूप से आपसे लड़कियां प्रभावित होंगी, लड़के भी प्रभावित होंगे। ये जो अकड़ है आपकी, जो गुरूर है, ये आपका गहना है। इसको जितना ज़्यादा आप मेंटेन करेंगे, लोग आपसे आकर्षित होते रहेंगे। लेकिन मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ इसको इस तरीके से अन्यथा मत लीजिएगा कि आपको अंदर से कठोर रहना है। अंदर से कठोर ना आप थे, ना हैं और ना होना चाहिए। आप अंदर से कठोर सिर्फ परायों के लिए हैं, अपनों के लिए नहीं। इसलिए अगर किसी को अपना बनाना है, आकर्षित करना है, तो अंदर से जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन बाहर से इस चीज़ को मेंटेन करिए कि आप एकदम जेंटलमैन बन के रहेंगे। आप बहुत, कोई लड़की मिल गई, गर्लफ्रेंड बन गई, तो उससे बहुत चिपकेंगे नहीं, बहुत डेडिकेट रहेंगे, डेडिकेटेड मेंटेन करेंगे, और बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को ये एहसास कराएंगे कि आप एक सच्चे मर्द हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगी। अगर महिला भी आप हैं तो आप उस तरीके का जो रुतबा दिखाएंगे एक अलग ही, तो उससे भी लोग प्रभावित होंगे और आपका पार्टनर आपसे आकर्षित होता रहेगा सिर्फ इसी गुण की वजह से। अब सिंह राशि के लिए एक गुण और है, और इसमें यह है कि वो जितना ज़्यादा सामने वाले को सम्मान देंगे उतना ज़्यादा आकर्षित होगा, वो उतना ज़्यादा प्रभावित होगा। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी है बुध। वाक्पटुता इनके अंदर, यानी कि वाक्पटुता, वाक शक्ति, जो बोलने की कला है, जो शब्द हैं इनके, जिस तरीके से बात करते हैं, इनकी वाणी बहुत मधुर होती है, इस चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आपका आकर्षण है वाक्पटुता, आपका आकर्षण है चंचलता, मधुरता, और आप जो किसी भी तरीके से किसी से बात करते हैं तो जो मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी में एक ऐसी एनर्जी होती है जो लोगों को खींच लेती है, तो आप बात करिए, जितना आप बात करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, तो आप उससे बहुत बातचीत मत करिए, क्योंकि जो आपके बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो वो आपको नहीं समझ पाएगा, वो आपसे आकर्षित नहीं हो पाएगा। आपके अंदर सबसे बड़ी कला है वाणी की, और उससे लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। और बुध जो है कन्या राशि में ही उच्च का होता है, इसलिए कन्या राशि ही सर्वश्रेष्ठ वाणी और वाक शक्ति की धनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अब देखिए, अभी तक 6 राशियों की, आगे भी वीडियो बड़ा हो रहा है, आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आ रही है, आप जो है कमेंट जरूर करिए और बताइए कि ऐसा ही है। तो आप कमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और इतनी बड़ी वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने तो ये 60 सेकंड में भी एक रील बना करके डाल रखी है हमारे चैनल पर, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। शॉर्ट्स बहुत कम डाले हैं, आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम और विस्तार कर रहे हैं उस चीज़ का। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो पवित्रता इनका विशेष गुण होता है। पवित्रता जितना ज़्यादा रखेंगे, पवित्रता का मतलब मेरा यह था, यह है कि आप अपना हृदय पवित्र रखें,
आप अपने वस्त्र पवित्र रखें, आप अपना मन पवित्र रखें, आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में निंदा ना करें, चुगली ना करें, तो लोग आपसे आकर्षित होंगे। अगर आप दूसरों की निंदा चुगली करेंगे तो लोग आपसे आकर्षित कभी नहीं होंगे, प्रभावित कभी नहीं। आप जितना अपने मन को पवित्र दिखाएंगे लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा मन के साफ हैं, दिल के साफ हैं, तो लोग आपसे आकर्षित होंगे। और शुक्र आपके राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए एक चीज और है कि आप मन की पवित्रता के साथ साथ पवित्र भाव से लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, इससे लोग बहुत अच्छे से प्रभावित होते हैं। किसी का उपहास करना, अगर आपने किसी का उपहास किया तो ये आपके गुण से अपोजिट चला जाएगा और फिर इससे आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लोग आपसे आकर्षित होंगे तब जब आप पवित्र रहेंगे। मैंने आपको बताया पवित्र आप तन मन धन से पवित्र रहें, किसी भी प्रकार से किसी की बुराई ना करें और श्रृंगार करें, अपने शौक पूरे करें, अपने आप को सजने संवरने पे ध्यान दें, किसी भी प्रकार से आप अपने आप का ध्यान रखें, इससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तुला राशि का एक विशेष गुण जो अपनत्व की भावना तुला राशि वाले दिखाते हैं, इस वजह से भी लोग इनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से मेंटेन करिए कि आप अपनत्व की भावना लोगों को दिखाएं और पवित्र रहें। एक चीज़ और है कि तुला राशि से जो पवित्रता शब्द जोड़ा है, इसका एक और तात्पर्य है कि तुला राशि वाले अपने सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाएंगे कि वो वर्जिन हैं, वो किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं हुए, तो सामने वाला इनकी तरफ खिंचा चला आएगा। और अगर रिलेशनशिप में आने के बाद में भी बता दिया कि हम अपवित्र थे, तो निश्चित रूप से उनके पार्टनर का इनके प्रति वो प्यार, वो आकर्षण नहीं बचता है जिस तरीके का होता है। तो एक चीज इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर वर्जिन नहीं है तो मत बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, छुपाइए उस चीज को। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का जो सबसे बड़ा गुण है वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। जितने ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे आप, पॉजिटिविटी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, लोगों को हंसेंगे, हंसाएंगे, बहुत ज़्यादा खिलखिलाएंगे, आपकी स्माइल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आकर्षण है। आप तो अगर मुस्कुरा देंगे तो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। तो आपकी सकारात्मकता इतनी आपके अंदर होती है। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष की कुंडली में आपकी राशि इतनी ज़्यादा मिस्ट्री है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गोपनीय गुप्त चीज़ों को दिखाती है कि वो मुस्कान क्यों थी, क्या थी, इसी चीज़ पे आकर्षित हो जाती। कोई भी व्यक्ति आपकी सिर्फ सकारात्मक चीज़ों को देख करके ओवरथिंक करने लगेगा, आपके बारे में सोचने लगेगा और आपसे आकर्षित हो जाएगा। तो आपकी एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है, किसी से बात करके बस एक बार मुस्कुरा दीजिए, लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। मुस्कुरा के चार दिन बात करेंगे किसी से तो वो आपको पांचवें दिन प्रपोज कर देगा, इतना आपकी मुस्कुराहट में पॉजिटिविटी होती है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत फहमी ना पाले, कोई व्यक्ति आपको ये ना समझे कि आप उसे लाइन दे रहे हैं, लाइन दे रही हैं, तो मुस्कुराइए मत, क्योंकि आपकी मुस्कान में आपका प्यार छुपा है, आपका सकारात्मक गुण छिपा है जो पॉजिटिव साइन देता है कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रभावित है या मुझसे दोस्ती करना चाहता है, तो उसे लोग अन्यथा भी ले लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आपको आकर्षित करना है किसी को तो मुस्कुराइए। अगर रिलेशनशिप में है और मुस्कुराना छोड़ देंगे, मुंह लटका लेंगे तो पार्टनर आपको छोड़ देगा, मुस्कुराना मत छोड़िएगा कभी। आपके ठीक अपोजिट आपका गुण है रोना। अगर आप रोएंगे, दुखी होंगे, देखो वृश्चिक राशि जब रोती है तो उसमें भी पॉजिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें भी
उनकी एक अलग ही सकारात्मकता दिखती है, लेकिन अगर वो दुखी होकर रोते हैं तो वो दुखी होकर के रोना उनके चेहरे को एकदम से अलग ही बना देता है, जिसमें उनका राहु झलकता है, जिसमें अष्टम भाव की नेगेटिव ऊर्जाएं झलकती हैं, और फिर किसी भी तरीके से वह व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का जो गुण है वो है विवेकी होना, विवेकवान होना। आपकी विवेकता ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। विवेक का मतलब क्या होता है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हैं, आपकी सूझबूझ, आपकी समझ कितनी है, आप प्रैक्टिकल कितने हैं, आपकी बातें कितनी लोगों को प्रभावित कर रही हैं, ये सब चीज़ें। बुद्धि, ज्ञान, ये दोनों चीज़ें आपके पास है, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है तो आप फिर किसी भी प्रकार से किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे। आपका कॉमन सेंस, आपकी सोचने समझने की क्षमता और आपका बात करने का तरीका, आपका जो विवेक है वही आपको सबसे ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित होते हैं कि ये व्यक्ति कितना समझदार है, कितना विवेकवान है, और इससे प्रभावित होकर के आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आ जाते हैं, आपसे आकर्षित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक गुण है और उस गुण से लोग थोड़े से आपसे नाराज होते हैं, और वो गुण है लेक्चर देना। इस चीज़ को मेंटेन करिए, लेक्चर ज़्यादा मत दीजिए, कम बात करेंगे, ज्ञान भरी बात करेंगे, विवेक तो आप है ही आपके अंदर, इस चीज़ को मेंटेन कर लेंगे तो आपसे लोग आकर्षित हो जाएंगे, लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के अंदर जो गुण है सबसे बड़ा गुण है कर्मठता, लगनशीलता, जो आप हर प्रकार से बहुत ही ज़्यादा जुनूनी हैं, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो लगन है, आप काम को जिस लगन से करते हैं, जिस डेडिकेशन है आपके अंदर, उससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। ये चीज़ें मेंटेन करिए तो हर प्रकार से लोग आपसे आकर्षित होते रहेंगे, लोग आपके वशीभूत होते रहेंगे। बस इतना सा आपको करना है कि आपको जो काम, जैसे आप लगनशील हैं किसी चीज़ में, लगे रहिए, आप जिस तरीके से जो डेडिकेशन आप दिखाते हैं काम में वो आप करिए। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होती है, इस वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं, इस चीज को मेंटेन करिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर जो गुण है वो है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल बहुत होते हैं कुंभ राशि वाले, और आपके बिहेवियर से ही, आपके बिहेवियर से जो अमृत निकलता है उसके लोग कायल होते हैं, और अगर आप अपना व्यवहार मेंटेन करेंगे तो 100% लोग आपसे आकर्षित होंगे। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और आपका व्यवहार इतना ज़्यादा कुशल है कि लोग आपका उदाहरण देना चाहते हैं कि अगर व्यवहार करना है तो गौरव जैसा करो, सौरभ जैसा करो। तो मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इस तरीके का गुण होता है। कुंभ राशि वाले, एक चीज़ जो उनके अंदर नेगेटिव लोगों को लगती है और उस चीज़ को इनको मेंटेन करना चाहिए। लोग इनके बारे में एक चीज़ बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है हमें बेवकूफ़ समझ रहा है और अपने आप को चालाक, जबकि होता यह है कि सामने वाला दिलदार होता है, आपके प्रति दिल से आपके साथ होता है और आप उसे चालाक समझते हैं, आप अपने आप को चालाक समझते हैं, मतलब उसे बेवकूफ़ समझते हैं। तो उसको, उसके दिलदारी को, उसके दिल से आपका जो साथ दे रहा है उस चीज़ को आप उसका पागलपन या उसकी नासमझी या बेवकूफ़ी समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको बदलनी चाहिए। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप उसे अपनापन दिखाएंगे, अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए हमेशा लॉयल रहेगा और आपकी, आपके लिए आकर्षित बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट, यानी कि मीन राशि, बारहवीं राशि। मीन राशि में भी जो सबसे बड़ा गुण है वो पवित्रता है। जितने ज़्यादा ये पवित्र रहेंगे उतना लोग इनसे प्रभावित होंगे।
अपनी बातों को पवित्र रखेंगे, लोगों का आदर करेंगे, लोग इनसे आकर्षित होंगे। इनकी वाणी जितनी पवित्र रहेगी, नॉनवेज बातें करना समझ लेना कि आप लोगों के दिलों से गिर गए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव बातें करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बातें करेंगे, पवित्र बातें करेंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे। पवित्र रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो आपसे लोग आकर्षित होंगे। आपके अंदर एक सबसे बड़ा गुण जिससे लोग आकर्षित होते हैं और वह यह है कि आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जो व्यक्ति दिल का सही है, दिल का साफ है। और इस चीज़ से लोग आपसे प्रभावित होते हैं कि दोस्ती करनी तो इससे करनी है, ये दोस्ती निभाना जानती है, जानता है। और पवित्रता का एक मतलब जो मैंने आपको बताया कि आप अपने रिलेशनशिप में ये बिल्कुल मत बताइए कि अगर आप वर्जिन नहीं है तब कि आप पवित्र नहीं। आप लोगों को ये शो करिए कि आप बिल्कुल दूध के धुले हैं, आप तभी लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। अगर आपके अंदर गुण है कि आप गुटखा खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप नशा करते हैं, आप अपवित्र हैं, आप बहुत ज़्यादा हुकअप करते हैं, वो सब चीज़ें गलत है और इससे लोग आपके ऊपर डाउट करते हैं और आपको बहुत ही निम्न कोटि का समझते हैं, आपको डबल स्टैंडर्ड समझते हैं और इस वजह से लोग आपसे आकर्षित नहीं होते हैं। आपको आकर्षित करना है तो इस चीज़ को मेंटेन करिए और पार्टनर को कभी मत बताइए कि आपके कितने पास्ट रिलेशनशिप रहे। अगर बता चुके हैं तो वो आपसे कभी भी उस तरीके का आकर्षण आपके अंदर नहीं देखेगा, ना आपसे उतना आकर्षित होगा जितना आकर्षित वो हो सकता था अगर आप ये बताते कि मैं बिल्कुल प्योर पवित्र हूँ। तो इन चीज़ों को मेंटेन करिए। और यह था दोस्तों 12 राशियों के लिए आकर्षण फॉर्मूला, वशीभूत करने वाला फॉर्मूला। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको ऐसी यूनिक वीडियो आपके साथ में साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।